अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2A। ये है जी मैथमेटिक्स बुक 1D1 सेवन्थ एडिशन जो न्यू एडिशन है उसकी एक्सरसाइज है, और इसका हम करेंगे जी आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। और आज ये जो एक्सरसाइज है ख़त्म हो जाएगी, और मेरा जो सेकंड चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके ऊपर मेरी कुकिंग की वीडियोज़ हैं और रिडल्स वगैरह सब कुछ उधर ही है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। एब्सोल्यूट जीरो डिफाइंस अ जीरो केल्विन इज द थियोरेटिकल लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। दिस कॉरस्पॉन्ड टू अ टेम्परेचर 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। बिलो जीरो रिप्रेजेंट दिस टेम्परेचर यूजिंग अ नेगेटिव नंबर। यानी कि ये मैंने ये बुक से इधर इस वजह से लिख लिया था क्योंकि यहाँ पे आपको सही नज़र आता है। बुक में बहुत छोटा लिखा होता है तो वो सही पर नज़र नहीं आता। और तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है मैं आपको समझा देती हूँ। लिखा हुआ यह है कि एब्सोल्यूट जीरो डिफाइंस जीरो केल्विन, यानी कि जीरो केल्विन जो है वो हमारे पास क्या होता है, थ्योरेटिकल लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है। दिस कोरेस्पॉन्ड टू, यानी कि ये सेंटीग्रेड्स में कितना होता है, 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड्स बिलो जीरो। ठीक है, तो रिप्रेजेंट दिस टेम्परेचर यूजिंग नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर करके हमने इसे रिप्रेजेंट करना है, तो बहुत ईजी सा है। इधर मैं इसको कर देती हूँ। ए पार्ट का हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, नेगेटिव साइन से करना है तो बस -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इतना सा बस इसका सोल्यूशन है। उसके बाद बी है जी, द लोएस्ट पॉइंट इन द नॉर्थ अमेरिका इज द बैर वाटर बेसिन विच इज 86 मीटर बिलो सी लेवल। रिप्रेजेंट दिस एल्टीट्यूड यूजिंग नेगेटिव नंबर। 86 मीटर है इसका एल्टीट्यूड, नेगेटिव नंबर से करना तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, -86 मीटर। बस इतनी सी बात है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन और सोल्यूशन बस इतना सा। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है कि फिल इन ईच बॉक्स विद मतलब ग्रेटर और स्मॉलर साइन से। तो अब बताएं -4 बड़ा होता है या -6। जीरो के जो जितना करीब होता है वो उतना बड़ा होता है नेगेटिव साइड पे। तो -4 जो है वो जीरो के करीब होता है एज कम्पेयर टू -6, इस वजह से -4 हमारे पास बड़ा है। तो इसको क्रोकोडाइल खा जाएगा, यानी कि इसकी तरफ मुंह देखें क्रोकोडाइल का खुला हुआ, टेल इसकी तरफ है। अब हमारे पास है -11 और -11.5। तो -11 जो होता है वो ज़्यादा करीब होता है जीरो से, -11.5 थोड़ा सा आगे हो जाता है, जैसे फिर -11 बड़ा होगा। 1/5, 1/3, ये अब हमने देखना है कि इसके आंसर्स क्या आते हैं। वैसे आपको मैं डिवाइड तो पहले भी करती रही हूँ, अब मैं जल्दी से कैलकुलेटर से कर लूँगी। 1/5, तो ये मेरे पास आ रहा है 0.2, ये आ रहा है 0.2, मैं लिख भी लेती हूँ 0.2। और 1/3 ये मेरे पास आ रहा है जी 0.333, यानी कि 0.3। तो अब बताएं 0.2 बड़ा होता है ये 0.3 पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है 0.3 ही बड़ा है, तो यानी कि ये मेरे पास ग्रेटर है। अब है जी -1/3, -5/6, इनको भी डिवाइड करके देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा तो आपने क्या करना है खुद से यहाँ पे डिवाइड करना है। इजी से है 1/3 के, और इस तरह मेरे पास टाइम थोड़ा कम होता है जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। 1/3 ये मेरे पास आ रहा है 0.3, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ -0.3। और 5 को डिवाइड कर लेते हैं 6 से, 5/6 ये मेरे पास आ रहा है -0.83। तो अब जीरो के करीब ज़्यादा कौन सा होगा, जाहिर सी बात है 0.3 जो है जीरो के ज़्यादा करीब है, ये थोड़ा सा दूर होगा, इस वजह से ये बड़ा है हमारे पास क्योंकि नेगेटिव साइन है। और अगर नेगेटिव साइन ना होता, ये दोनों पॉजिटिव होते तो फिर ये बड़ा था। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें लिखा हुआ यूज़ अ नंबर लाइन टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि इन सबको हमने नंबर लाइन पे जो है वो लिखना है। तो इजी से क्वेश्चन से कोई मुश्किल नहीं है। 1/-1/3, 2.5, 1/3/8, 1-0.2, -0.11। तो ये नंबर लाइन जो है मैंने पहले से जो है यहाँ पे बना ली थी, क्योंकि अगर भी बनाती तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता। तो इन सब में तकरीबन पॉइंट्स का फर्क है, जैसे मैंने यहाँ पे गैप भी 0.5 का दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है 1/3, तो 1/3 ऊपर लिखा हुआ कि हमारे पास क्या है 0.3 के इक्वल है, ये माइनस है, तो यानी कि ये हमारे पास यहाँ पे कहीं आ जाएगा 0.3 है, तो यहाँ पे तकरीबन 0.5 से थोड़ा पीछे इस जगह आ जाएगा -1/3। उसके बाद क्या हमारे पास 2.5, तो 2.5 ये रहा हमारे पास 2.5। उसके बाद क्या है 1/3/8, 8 1 8 9 10 11। ठीक है, तो हमारे पास क्या 11/8 है, तो यहाँ से हम इसे कर लेते हैं 11/8, तो ये मेरे पास आ रहा है जी 1.3। तो 1.3 है, तो ये मेरे पास कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे लिख देती हूँ 1.3, तो नहीं हम लिखेंगे 1/3/8।
उसके बाद मेरे पास क्या है जी, उसके बाद हमारे पास 1, तो 1 आ गया ये। उसके बाद क्या है, माइनस 0.2, माइनस 0.2 है, तो वो हमारे पास यहाँ पे आएगा, इस जगह पे, यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस 0.2। उसके बाद क्या है, 0.11, ठीक है, तो यानी कि 0 से थोड़ा सा ही आगे हमारे पास यहाँ पे होगा 0.11, ठीक है जी। तो बस हमने इसे नंबर लाइन पे जो है वो प्लॉट करना था। इधर हमने कोई अरेंजमेंट नहीं करनी कि कौन सा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने नहीं लिखना, बस इसको हमने प्लॉट करना था, वो हमने कर दिया। उसके बाद है जी हमारे पास इसका बी पार्ट, पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेस देन 20, पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो 20 से हमारे पास छोटे हैं। ऑड नंबर क्या होता है हमारे पास, जैसे कि ये 1, 3, 5, 7, तो यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे प्लॉट जो है वो कर देते हैं हम, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1, 3, ऑड नंबर नहीं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19, क्योंकि उन्हें बोला है ऑड नंबर्स और 20 से छोटे, तो फिर 19 तक होगा। उसके बाद प्राइम नंबर्स मोर देन 10 और इक्वल टू 2 बट लेस देन 10, ठीक है, सॉरी मैंने इसको थोड़ा सा रॉन्ग पढ़ लिया है। प्राइम नंबर मोर देन और इक्वल टू 2, यानी कि 2 और 2 से बड़े लेकिन 10 से छोटे प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर हमारे पास क्यों कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, लेकिन ये कह रहे हैं 10 से छोटे, तो यानी कि इसमें सबसे पहले उन्हें बोला 2 एंड मोर देन 2, तो 2 इंक्लूड होगा, यानी कि 2 हमारे पास कौन से प्राइम नंबर होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, तो 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, लेकिन 11 नहीं आ गया क्योंकि उन्हें बोला 10 से छोटे, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद है जी कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16, 12 और 16 के कॉमन फैक्टर्स हमने लिखने हैं। तो 12 और 16 के कॉमन फैक्टर्स हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लेंगे जी LCM और हमें पता चल जाएगा इनके कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो यहाँ पे मैं साइड पे ले लेती हूँ LCM, तो बल्कि दूसरे पेन से ले लेते ताकि आपको ज़्यादा जो है वो विजिबल हो। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, बॉल पेन से कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ इनका LCM। सबसे पहले हमारे पास कौन सा है जी, 12 और 16, तो 12 का जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। अब ले लेते हैं 16 का, 2 8 16, 2 4 8, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 4, 2 1 2, ये आ गया हमारे पास 12 और 16 का। तो इसमें कॉमन क्या है, एक तो ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ये वाला 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ये 3 इसमें भी है और इसमें नहीं है, यानी कि ये नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर यानी कि हमारे पास इसके क्या फैक्टर्स बने, 2 2 का क्या होता है हमारे पास 4 होता है, और यानी कि इनके फैक्टर्स क्या हैं कॉमन, एक तो 1 आ गया, 2 आ गया और 4, तो यानी कि हम यहाँ पे फिर लिख देते हैं कि इनके कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। एक तो हमारे पास 1 है कॉमन में, क्योंकि 1 तो किसी के भी आता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक तो 1 है हमारे पास और एक हमारे पास 2 है, 2 8 16 एंड 2 6 12, तो 2 भी हमारे पास कॉमन में आता है, 3 कॉमन में नहीं आता क्योंकि 3 के टेबल में 16 नहीं आता। फिर 4 के टेबल 4 3 12 एंड 4 4 16, तो ये भी हमारे पास आ गया। इससे आगे जो है 5 के टेबल में ना 12 आता ना 6, सो ऑन, इनमें से किसी के टेबल में 12 नहीं आता। तो यही हमारे पास कॉमन फैक्टर्स थे 12 और 16 के। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर जो है मैंने आपको करवाया 6 से लेके 8 तक। तो ये थी जी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, और जो मेरा सेकंड चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।